हेलो दोस्तों, मैं बुलु रंजन स्वागत करता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल यांत्रिक बुलु पर। आज हम हाजिर है एक नया टॉपिक के साथ। आज एक्चुअल हम दो ही टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले हम डिस्कशन करेंगे सरफेस प्लेट के बारे में, उसके बाद मार्किंग ऑफ टेबल या मार्किंग टेबल के बारे में स्टडी करेंगे। आइए सरफेस प्लेट के बारे में स्टडी करते हैं। पहले समझेंगे सरफेस प्लेट किसको बोला जाता है। सरफेस प्लेट एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस, वो मेन हॉरिजॉन्टल रेफरेंस प्रोवाइड करता है कोई इंस्पेक्शन करने के लिए, कोई मार्किंग आउट करने के लिए या फ्लैटनेस चेक करने के लिए। इसका तीन ही मटेरियल में ये बनाया जाता है सरफेस प्लेट। एक हो गया ग्रेनाइट, कास्ट आयरन और ग्लास का। मटेरियल प्रॉपर्टी फॉर सरफेस प्लेट, हम जो तीन मटेरियल में बना रहे हैं जैसे ग्रेनाइट हो गया, ग्लास और कास्ट आयरन का, इसीलिए ये तीन मटेरियल को चूज किया गया। ये जो मटेरियल का क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, जो वो ये के सरफेस प्लेट बनाने से पहले उस मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए। पहला नंबर पॉइंट, मोस्ट हैव हाई रिजिडिटी। हाई रिजिडिटी मतलब ये स्ट्रांग होना चाहिए, रेजिस्ट वियर एंड कोरोजन, ये जल्दी खिसक जाना नहीं चाहिए और इसे कोरोजन नहीं होना चाहिए। तीन नंबर पॉइंट है फ्री फ्रॉम इंटरनल स्ट्रेस, ये इंटरनल स्ट्रेसेस में नहीं रहना चाहिए। कास्ट आयरन सरफेस प्लेट या सीआई सरफेस प्लेट, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड सरफेस प्लेट है, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली सरफेस प्लेट है। ये मैन्युफैक्चरिंग लाइन या मशीन शॉप में यूज किया जाता है और इसका जो पीछे में बैक साइड में रिब्ड स्ट्रक्चर बना जाता है जो उसको मजबूत व स्ट्रांग बनाता है, और इसका जो इसको इंटरनल स्ट्रेसेस से रिलीव करने के लिए इसको हार्डन एंड टेम्पर्ड किया जाता है। ग्रेनाइट सरफेस प्लेट ये बेस्ट सरफेस प्लेट है, मतलब सबसे जो तीनों सरफेस प्लेट यूज होता है ये सबसे बेस्ट है। ये ज्यादा टूल रोम और ज्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। इसका एक और एक प्रॉपर्टी गुड क्वालिटी है, ये रस्टलेस है। हमारा सी जो कास्ट आयरन सरफेस प्लेट है उसमें रस्ट लग सकता है, मगर ये रस्टलेस है, इसमें रस्ट नहीं लगेगा। और ये कास्ट आयरन सरफेस प्लेट फिर से भी ज्यादा हार्ड होता है, और इसका जो टेम्परेचर जो चेंजेस होता है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए ये फ्लैटनेस प्रोवाइड करता है और इसका एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होता है, ये बेस्ट होता है। सरफेस प्लेट ये लेस वेट होता है, कम वजन का होता है और इसका जो कोरोजन फ्री होता है और इसको सब ये हाई एक्यूरेसी देता है। हम इसको मेंटेन करके लॉन्ग लाइफ के लिए भी रख सकते हैं। सरफेस प्लेट को 5 ग्रेड में डिवाइड किया गया है। एक ग्रेड 0, ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, 5। ग्रेड 0 ये मेट्रोलॉजी लैब में यूज किया जाता है। ग्रेड 0 क्वालिटी कंट्रोल पर्पज के लिए यूज होता है और ग्रेड 1 टूल रूम में यूज किया जाता है। ग्रेड 2 वो वर्कशॉप में यूज को किया जाता है। ग्रेड 3 ये स्पेशल प्रपोज, वही वर्कशॉप में स्पेशल प्रपोज के लिए यूज किया जाता है। ग्रेड 0 0 और ग्रेड 0 ये दोनों ग्रेनाइट, मेनली ग्रेनाइट में बनाया जाता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड किया करता है। स्पेसिफिकेशन ऑफ सरफेस प्लेट, सरफेस प्लेट का स्पेसिफिकेशन कैसे किया जाता है, उसका जो लेंथ, ब्रेथ, ग्रेड और इंडियन स्टैंडर्ड नंबर, जैसे एग्जाम्पल आप एक दे दिए हैं स्क्रीन पर, आप देख रहे होंगे वो लेंथ ब्रेथ और उसका इंडियन ग्रेड और इंडियन स्टैंडर्ड नंबर दिया। हम लोग तो इसके बारे में सरफेस प्लेट बारे में डिस्कशन कर लिए हैं, अभी डिस्कशन करेंगे मार्किंग टेबल के बारे में। मार्किंग टेबल जो हेवी कंपोनेंट होता है उसको मार्किंग या लेआउट मार्किंग अप या लेआउट वर्क के लिए मार्किंग टेबल को यूज किया जाता है। मार्किंग अप या लेआउट क्या होता है, सपोज एक ड्राइंग में जो जो जॉब पीस को हम निकालना है, जॉब पीस से जो फिनिश्ड प्रोडक्ट निकालना है, वो जो कहाँ क्या फाइलिंग करना है, कहाँ मिलिंग करना है, कहाँ लेद में काटना है, वो सबको जो मार्किंग करना है, जो वो जो ड्राइंग को वो जो जॉब के ऊपर में निकालने के लिए उसको मार्किंग अप और लेआउट वर्क किया बोला जाता है। जैसे हम हेवी कंपोनेंट मेनली हम
मार्किंग टेबल ऊपर रख के इसको यूज करते हैं। ये मेड ऑफ क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन, और इसका जो मार्किंग टेबल का जो एनग्रेव्ड लाइन देखो, जैसे क्रॉस का स्क्वायर जैसे घर बना गया है उसको एनग्रेव्ड लाइन बोला जाता है। वो क्या होता है कि रेफरेंस लाइन प्रोवाइड करता है, कोई एक जॉब सेट करने के लिए इजी होता है वो उसको सेट करने के लिए। और इसका जो टेबल का जो हाइट है हर 75 cm से लेकर 90 cm तक होता है फ्लोर से उसका जो मार्किंग टेबल का हाइट। मार्किंग टेबल हमेशा लेंथ ब्रेथ हाइट के हिसाब पर उसका साइज बोला जाता है, जैसे 90x80। मार्किंग टेबल का जो लेग होता है वो मेनली माइल्ड स्टील का बना जाता है, चार लेग होता है वो माइल्ड स्टील का बना है। प्रिकॉशन व्हाइल यूजिंग सरफेस प्लेट या मार्किंग टेबल, क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? उसका जो फ्लैटनेस है, सरफेस फ्लैटनेस रेगुलर बेसिस में चेक करना चाहिए। जैसे टूल रूम हो गया, जो हाई प्रिसीजन जॉब जहां, वहां साल में दो बार नहीं तो साल में एक बार चेकिंग करना चाहिए थ्रो ड्रिल टेस्ट इंडिकेटर। और जब उसको यूज करने से पहले उसको अच्छा से क्लीन करना चाहिए। जब यूज नहीं होता है उसको रेक्सिन या ऊड का कवर से कवर करके रखना चाहिए। और जब यूज खत्म हो जाता है उसमें ऑयल या ग्रीस का एक लेयर देकर रखना चाहिए जो कोरोजन प्रिवेंट करता है। हमारा टॉपिक आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और हमारा चैनल यांत्रिक बोलू को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं और एक नया वीडियो नया जोश के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्ते।